मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। राग पीलो भजन अठावी भली भली आयाज संत सचारा। भली भली आयाज संत सचारा। संत सचाराया प्राण प्यारा रे जिया जा जियारा। भली भली आयाज संत सचारा। भली भली आयाज संत सचारा। संत सुनायन ज्ञान जु बोलियूं बोध दियन था अन भय खोलियूं। बोध सुना अन भय। संत सुनायन ज्ञान जु बोलियूं बोध दियन था अन भय खोलियूं। भेद भरम भोला मिटन मुझारा रे मिटन मुझारा। भली भली आयाज संत सचारा। भली भली आयाज संत सचारा। प्रेम सजित जित पेर घुमायन छिटल अंगण आबाद बनायन। छिटल अंगण आबाद बनायन। हरे अज्ञान कन अंदर उजारा रे अंदर उजारा। भली भली आयाज संत सचारा। भली भली आयाज संत सचारा। धर्म करम खे पाण विधारिन ब्यन खे भी सा सिखिया सिखारिन। ब्यन खे भी सा सिखिया सिखारिन। अहड़न संतन ता बल बल हारा रे बल बल हारा। भली भली आयाज संत सचारा। भली भली आयाज संत सचारा। तेऊ सेवा सफली तिन जी काटिन फास जे जन्म मरण जी। काटिन फास जे जन्म मरण जी। जियन सदाई संत उदारा रे ओ संत उदारा। भली भली आयाज संत सचारा। भली आयाज संत सचारा। राग पीलो भजन 28 भली भली आया अज संत सचारा।
संत सचारा आया प्राण प्यारा रे जिए जा जियारा। ठीक, संत महापुरुषों के आगमन से जो मन आह्लादित होता है उस खुशी को प्रकट करते हुए इस भजन में गुरु महाराज जी संतों के आगमन का स्वागत करते हैं। मुद मंगल मय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। संत महापुरुष जंगम चलत तीर्थ है, जो जहां पर भी जाते हैं वहां पर मंगल और कल्याण करते हैं। तो संत महापुरुष आए, गुरु महाराज जी उन प्राण प्यारे संतों की महिमा का बखान करते हैं। संत सुनायन ज्ञान जो बोलियों बोध दियन था अनुभय खोलियो। अनुभय की खिड़की खोल के जो मेरा मन संसार के विषयों में मगन था उसको वहां से हटा के प्रभु परमात्मा की तरफ लगाकर उस ज्ञान अमृत के द्वारा मेरे मन को उन्होंने जगाया। भ्रम भोला संशय सब उन्होंने समाप्त कर दिए। प्रेम सा जित जित पैर घुमायन छिटल अंगण आबाद बनायन। जहां पे दुख कष्ट है, जिन घरों में मनों में अशांति है, जिस आंगन में अशांति का साम्राज्य है, वहां जाकर संत अपने चलन घुमा के शांति और आनंद पहुंचाते हैं। हरे अज्ञान कन अंदर उजाला, अज्ञान अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। धर्म कर्म के पाणव धारण बेन के भी था सिख्या सिखारिन। स्वयं भी धर्मानुसार आचरण करते हैं और अपने कर्म कर्तव्यों का पालन करते हैं, दूसरों को भी सुंदर शिक्षा सुनाते हैं। ऐरन संतनता वन्या बल बल हारा, ऐसे संत महापुरुषों पे मैं बार बार बलहार जाऊं। कहे टेऊं सेवा सफली तिनजी, काटन फांसी जे जन्म मरण दी। उन संत महापुरुषों की सेवा हमेशा ही जन्म और मृत्यु के चक्कर को निवृत्त करने वाली है। उनकी सेवा कोई भाग्यशाली करता है। जीवन सदाई संत उदारा रे, तो ऐसे संत महापुरुष हमेशा आते रहें और जीवन में आनंद की लहरें लाते रहें। उन संत महापुरुषों के गुणगान का ये भजन गुरु महाराज जी ने सुमधुर वाणी में सुनाया है। पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खानी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाय पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनुभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ।
डूबत जीव अपार है, भव सिंधु है बेअंत, सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।